Hello class 9th. Today we are going to study maths exercise 1.3. Your topic is to convert irrational number into p by q form. Irrational number kya hota hai? Irrational number hota hai jo ki aapka terminate nahi hota hai. Koi bhi aisa fraction jo divide karne par terminate na ho. Last exercise mein aapko bataya tha ki aap divide kar rahe the. Remainder 0 aa hi nahi raha hai. तो जब रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुए जा रहा है, तो हमने उसके ऊपर बार लगाया था, अगर याद हो आपको तो. ओके, तो आज हमको क्या करना है, ऑपोजिट. अब इरेशनल नंबर हमारे पास है, यानी कि बार वाले नंबर्स हमारे पास हैं, हमको इनको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है. राइट, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. सो योर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. दो तो पता ही है वो इंटीजर्स होंगे. एंड कंडीशन क्या होती है कि q कभी भी जीरो नहीं होता, दैट मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता. तो आपको ये जो बार वाले नंबर्स हैं, इनको आपको p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ओके, एक पार्ट मैं करूंगी इन चार पार्ट में से, और बाकी तीन आप होमवर्क में करेंगे और मुझसे चेक कराएंगे. तो लेट मी डू पार्ट टू. ओके, दैट इज 0.47 बार. अच्छा, जो हमने क्लास 8th में सीखा, 7th में सीखा, छोटी क्लास में सीखा कि डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं, इसको जब हम रैशनल या फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो सिंपल क्या करते हैं, यहां से पॉइंट हटाते हैं, इधर आपके पास दो डिजिट है, तो हम इसको लिख देते हैं 47, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 100. मगर यहां 9th में ऐसा नहीं करना. वाई? बिकॉज हियर यू हैव द साइन बार. बार का मतलब ये होता है कि आपका जितने नंबर्स पे बार हैं, वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 47 47 47 एंड सो ऑन, क्योंकि डिवाइड करने पर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जीरो ही नहीं आ रहा है. तो ये जो 47 के ऊपर बार है, दैट मीन्स वो इस तरीके का है. याद आया हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था. अब क्या करना है, इसको हम सपोज करते हैं फॉर द सोल्यूशन पार्ट. लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47 47 47 एंड सो ऑन, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0.47 बार. अब हमको ये चेक करना है कि बार जो है कितनी डिजिट के ऊपर है. जैसे हमने यहां से पॉइंट हटाया था, तो दो डिजिट थी, इधर 100 आ गया था. अभी वही काम हमको करना है, इस पूरे टर्म को, ये जो हमने एक सपोज किया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ. x को किया तो 100x हुआ, इधर 100 इंटू 0.47 47 47 एंड डॉट. तो जब आप किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं, दो जीरोज है ना, तो ये डेसिमल दो बार खिसक जाएगा. कहां चला जाएगा, एक दो, यहां आ जाएगा इधर. तो इट विल बिकम 100x इज इक्वल टू 47.47 47 47 एंड कंटिन्यू. तो ये आपका बन जाता है इक्वल्स टू 47.47 बार. क्लियर हुआ? ओके, तो अब जरा ध्यान से देखें, आपका एक्स जो था वो 0.47 बार के इक्वल है, जो आपका 100x है वो आपका 47.47 के बार के इक्वल है. नाउ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन किसका सब्ट्रैक्शन होना है, इसमें से ये माइनस होगा, इस लाइन में से ये लाइन माइनस होगी. तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू इधर आएगा, 47.47 बार माइनस 0.47 बार इधर आएगा. दोनों में आप आंसर लिखोगे. तो 100 में से 1 गया, ऑफ कोर्स 99, इधर जब आप करते हैं तो 0 0 एंड 47. So the amazing part is whenever you are going to do this sort of subtraction, ये 0.00 हो जाएगा, और होना ही चाहिए. नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, यहां चेक करो फिर. तो यानी कि आप ये समझिए कि जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, आपके पास यहां पॉइंट के बाद का नंबर और इधर पॉइंट के बाद का नंबर विद बार एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्ट करने पर ये जीरोज मिलेंगे.
एम आई क्लियर? सो 99x इक्वल्स टू 47, सो x इक्वल्स टू 47 अपॉन 99, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. सो हियर इज योर आंसर. ठीक, अब इस मेथड से आपको ये बाकी सब क्वेश्चंस करने हैं और मुझे होमवर्क सबमिट करना है. थैंक यू.